औसत तो? तुम्हारे गांव और ओमलापुर के बीच गोदावरी नदी है क्या? क्यों पूछ रहे हो? कौन बनेगा करोड़पति में आया हूँ, अमित जी के सामने बैठा हूँ। 1 करोड़ का सवाल है, जल्दी जवाब दो। पिछली बार तुम्हारी साथ जो गोरा सा लड़का आया था, उसका नाम अमिताभ बच्चन है क्या? रानी, तुम अमिताभ बच्चन को नहीं जानती क्या? मेरी जिंदगी में न जाने कितने मर्द आते जाते हैं, किस किस का नाम याद रखूंगी? कभी ना भूलने वाला मर्द देखा है तूने? मैं जरूर दिखाऊंगा। 60 सेकंड में 75 बार धड़कने वाले दिल का कोई लॉजिक नहीं है। मेरे किए कामों के बारे में पूछोगे तो मैं क्या बता सकता हूं? क्या हुआ, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया है? जवाब दिए बिना कहां जा रहे हो? श्रीनाथ कहां है? वो कौन है बे? श्रीनाथ, तुम कौन हो? हाँ तो क्या हुआ? तीन साल पहले मेरे दोस्त बॉबी के साथ तेरा झगड़ा हुआ था, तुझे याद है? हाँ तो? जब तुम दोनों झगड़ा कर रहे थे तो एक ने आकर बीच बचाव करने की कोशिश की, तो तूने उसका कॉलर पकड़ा, वो भी याद है? उस झगड़े में मैंने किसका कॉलर पकड़ा था, मुझे कैसे याद होगा? याद नहीं रहा तो याद करना पड़ेगा। अबे तू मेंटल है, उस दिन झगड़ा करते वक्त मैंने तेरा कॉलर क्या पकड़ लिया, उसके लिए अब आकर मारा तूने? ईगो है तो उस दिन भी मार सकता था। उस रात मैं US चला गया था और वापस लौटते ही डायरेक्ट तेरे पास चला आया। एलेक्स, फोटो खींच। ये उसे दे दे। बॉस। भाई, ये अच्छा इंसान है ये बुरा? खट्टी मीठी जिंदगी का खुल के मजा उड़ा। कल हो के ना हो, इस पल का आज तू ले ले मजा।
छाई खुमारियां चढ़ेगा अभी अजब सा कोई नशा जियो दोस्तों तुम जियो बेफिकर अरे हम मस्ती का याद है ना सुबह एजेंट से मिलना है। भाई मेरी परेशानी समझो ना, अगर तुम चाहोगे तो मेरी जॉब सेट हो जाएगी। हाँ देखते हैं। भाई तुमने अगर देख लिया तो मेरी लाइफ सेट है। क्या हुआ अचानक कार क्यों रोक दी? मेरी बात का बुरा मान गए क्या? अरे क्या हुआ? अरे रे रे रे, क्या कर रहा हो भाई? ये मर चुका है, हम फंस जाएंगे। अभी ये जिंदा है, चल उठा। दरवाजा खोल। हाँ, खोलता भाई। चौधरी दुर्गा प्रसाद जिंदाबाद। चौधरी भाई लगता है आगे रोड ब्लॉक है। बॉस तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। ए, इस तरफ रैली चल रही, रोड ब्लॉक किया हुआ, उधर से जाओ। सर, ये मरने जाओ वाला है सर। अरे निकलो, प्लीज सर, निकलो, निकलो। हॉस्पिटल कहाँ है? भाई यहाँ से आधा घंटा और वहाँ से सिर्फ 5 मिनट लगेगा। जिंदाबाद, चौधरी दुर्गा प्रसाद, जिंदाबाद। अरे अरे संभल कर भाई। चौधरी दुर्गा प्रसाद, पीछे लो। चल भैया, लगता है ये मर जाएगा। क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, प्लीज जाने दीजिए। पुलिस ने अंदर आने कैसे दिया? क्या कर रही थी बोलो। केस वेस नहीं करना मुझे, मामले को यहीं सुलझाना पड़ेगा। जो होना था सो हो गया, अभी ना सॉरी बोलकर चले जाओ। सॉरी बोल दो भाई। सॉरी मैं क्यों बोलूं? गलत जगह पर रैली इसने रखी थी। मैं बात कर रहा हूं ना। परमिशन आपने दी थी, इनफैक्ट आपको ही मुझे सॉरी बोलना चाहिए। तुम मुझे रूल्स सिखाने की कोशिश मत करो। सिखाऊं तो? मैं सारे काम रूल्स सही करता हूँ। एक जख्मी इंसान को बचाने के लिए मैं कई रूल्स तोड़ सकता हूँ। एक्सीडेंट कैसे हुआ था? पता नहीं। उसका नाम क्या था? पता नहीं। वो क्या करता था? पता नहीं। एक अनजान इंसान के लिए तुम इतना कुछ कर सकते हो, तो एक जानी पहचानी पार्टी के लिए मुझे कितना कुछ करना चाहिए बोलो। ए, जान बचाने के लिए उसकी पहचान जरूरी नहीं है। तेरी आवाज ज्यादा ही तेज हो रही है, है? ये मेरी लाइफ में आ चुका है, आंखों से आंखें मिलाकर देख रहा है, बिल्कुल मेरे करीब आकर।
माथे पर सिकन आ गई है, सांसें तेज होने लगी है, आंखें लाल होने लगी है। ये क्या बोल रहा है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक बात मेरी समझ में आ गई है, अब मुझे इन सब की लाइफ में आना होगा। सॉरी। राणा प्रताप जय सिंह, अब ये नाम बार बार सुनते रहोगे। देवी, क्या कहा तुमने? अब मुझे परीक्षा देनी होगी। द्रौपदी के मामले में दुर्योधन चुप बैठा रहता तो महाभारत होती क्या? नहीं होती। सीता का हरण अगर रावण नहीं करता तो क्या रामायण होती? नहीं होती। पुराणों में भी बहुत ज्यादा ईगो प्रॉब्लम थी। कौन सा पैग है ये? वो एसपी कहां रहता है? भैया, सिर्फ कॉलर पकड़ने के लिए उसे पीट देंगे? वो कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं है, गोली मार देगा। उसके बारे में सोचना बंद करो। मेरी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानना। कल सुबह उस एजेंट से जाकर मिलना है। तुम चाहोगे तो मेरा काम हो जाएगा भैया। जेनुइन है वो? हाँ, होमगार्ड से लेकर मिनिस्टर तक कोई भी पोस्ट दिलवा सकता है वो। अगर तुम ध्यान दोगे तो मेरा काम हो जाएगा यार। बॉस, ईस्ट 80 डिग्री लैटिट्यूड 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 62-65 किलोमीटर की स्पीड में एक कार आ रही है बॉस। मुंह बंद रख। सॉरी बॉस। ध्यान रखो, ध्यान रखने को बोला था, तुमने मेरी ही लगा दी ना। आ गया तेरा बंदा। अब मेरा बंदा नहीं रहा। इतने दिनों तक मैं आपसे फोन पर बात कर रहा था। माय नेम इज बॉबी, बीएससी कंप्यूटर्स। ठीक है, हम तुम्हारा बायोग्राफी लिखने नहीं आया हूं। मैटर बोलो। एसपी से ऊपर की पोस्ट कौन सी है? काहे पूछ रहा है? आप सिर्फ बताओ। डीआईजी, आईजी, डीजीपी, उनमें से कोई भी पोस्ट दिलवाओगे तो भाई ज्वाइन कर लेंगे। तुमको सिस्टम के बारे में पूरा जानकारी नहीं है, उनमें से कोई नहीं मिलेगा। इंडिया को डेमोक्रेसी कंट्री कहते हैं ना। फिर भी नहीं देंगे। नहीं मिलेगी बोल रहा है। कुछ भी करके मैनेज कर। ओके। सुनिए, किसी और जिले में एसपी की जॉब देंगे तो भैया ज्वाइन कर लेंगे। डीएसपी बनना भी मुश्किल है। फिर आप क्या दोगे? दरोगा का मैनेज कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करना होगा? रिटर्न एग्जाम देना होगा। वो तो आप ही लिख के देंगे ना। हम नहीं लिखेंगे, लिखवाएंगे। और क्या करना होगा? फिजिकल टेस्ट होगा। उसमें क्या करना होता है? 25 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा। ऐसे भागना होता तो ओलंपिक्स में जाते हैं, जॉब के लिए नहीं आते। अपनी बात सुनो, तुमने मन में जो आया बोलोगे तो नहीं चलेगा। ऐसा बोलो। जरा साइड में आओ। रिटर्न एग्जाम हम मैनेज कर लेंगे, उसके अलावा लड़का थोड़ा हट्टा कट्टा लग रहा है, फिजिकल भी मैनेज करना होगा। 40-45 मिलेगा तो काम हो सकता है। 50 दे दूंगा, काम होगा ना। ना, हमने तुमको जॉब देने की बात की थी,
पूरा जिला देने की नहीं। 50 लाख लेने से पहले ये बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने? हर बात का पैसा लगता है, समझा कर तू। हाँ ठीक है, ये जान लेता है और वो बजा देता है, और बीच में बंदर की तरह मैं लटक रहा हूँ। एलेक्स बॉस, टिकट। यस बॉस। योर टिकट बॉस। बॉस मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप इस तरह ट्रेन में जा रहे हैं। एलेक्स, जिंदगी में अब तक मैंने दूसरों पर खर्चा किया है, लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझ पर किसी ने खर्चा किया। आई अंडरस्टैंड बॉस। इस मूवमेंट को एंजॉय नहीं किया तो गलत होगा ना। समझ सकता हूँ बॉस, स्मॉल रिक्वेस्ट, क्या मैं फर्स्ट एसी का टिकट करवा सकता हूँ? एलेक्स बॉस रिलैक्स। ओके बॉस। सुनो बेटा, थोड़ी देर पहले तुम्हारे पैसे गिर गए थे। थैंक यू सर, पुलिस में अच्छे लोग भी होते हैं, आज पता चला। पैसों को हमेशा संभाल कर रखो। इन्हें बचपन से ही मुझे संभालना बिल्कुल नहीं आया सर, ना ही मेरी कोई बड़ी इच्छा है, और भूख क्या होती है पता नहीं। भूख और इच्छा का बहुत पुराना रिश्ता है, कब दोनों एक साथ मिल जाए कोई नहीं जानता, संभल कर जाना। मिलके अच्छा लगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। मेरा स्टेशन आ गया है, मैं चलता हूँ बेटा। सर, मेरी जगह कहाँ है? आप कुछ लेंगे सर? ट्रांसफर। ट्रांसफर? देखिए सर, नौकरी ज्वाइन करने के बाद मिनिमम 2 साल काम करना पड़ता है। सही बोल रहे हो तुम, कोई रास्ता तो होगा, जरा सोच के देखो। दूसरा रास्ता मतलब? हाँ, राउडी इंस्पेक्टर की तरह खिलाड़ी बनकर किसी पार्टी के प्रमुख आदमी को दबोच कर साले को तोड़ कर या उसके काम को रोक दो सर, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा सर। तुम्हारी बात तो एकदम ठीक है, लेकिन अभी के अभी वो आदमी कहाँ मिलेगा? तेरी इतनी हिम्मत मुझे अंदर जाने से रुकता है? आपको बोला ना, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता मैं? तुम्हारा ऐसा ही समझता है क्या? सुबह से किसी भी लड़की ने ब्रेकफास्ट नहीं किया पता है? लड़कियों को इस तरह से पुलिस स्टेशन में खड़ा करता है कोई? स्टूपिड, बुला उसको। क्या परेशानी उसे? हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा उसे। रैगिंग केस है सर। कमीना कहीं का, लड़कियों को देखते ही शुरू हो जाता है। रैगिंग करने वाली छोरियां हैं सर। ये तो अच्छी लग रही है यार। What is this? लेकिन अप्सरा के साथ ये खजूर क्या कर रहा है? तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। ये कौन है जो दबंगई दिखा रहा है? ये बड़ी पार्टी का प्रमुख व्यक्ति है सर। फिर तो देर काहे को, फौरन अंदर बुलाइए। hey! आप गावस्कर बुला रहे हैं? बुलाने दो, वेट करेंगे। अरे नो प्रॉब्लम, आई विल। हेलो साहब, आपको अंदर बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? आपको दिखाने देता क्या? लड़कियों को सुबह से पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा रखा है, अब बुला रहे चल। सुनो मेगा, यू जस्ट वेट, 5 मिनट में आता हूँ मैं। आ रहा हूँ। कौन है जो मुझसे पंगा लेना चाहता है? कौन है वो? एनी प्रॉब्लम? गावस्कर ठीक से बोलो, नहीं तो केस हो जाएगा। केस होगा? हम पे केस कौन करेगा? ये सब अपने लोग हैं। चुप रहो तुम। ए, तुम्हें 5 मिनट वेट करने को बोला, सिर्फ 5 मिनट वेट करो यहाँ पे। ओके। Okay.
एक्सक्यूज मी सर, बोलो। मेरा फ्रेंड गावस्कर 5 मिनट बोल के गया, लेकिन 2 घंटे हो गए अभी तक नहीं आया। आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करो। सुनो, क्या हुआ? साहब ने उसके कपड़े उतार कर धो डाला। क्या होगा? ये क्या है बे? इसको भी नहीं जानते आप, ये विक्स इनहेलर है। मैं जानता हूँ ये विक्स इनहेलर है, लेकिन तेरे पास किस लिए? क्या है ना कि फ्रेंड्स के बीच में स्टाइल मारता था ना, इसलिए अपने पास रखा। अच्छा सर, क्या हुआ? अभी अभी पता चला है, बाहर जो वो 3 छोरियां हैं उनमें से एक को छोड़ना पड़ेगा। मेगा। क्या वो तुम्हारी रिश्तेदार है? नहीं सर। फिर? वो एक एसपी की बेटी है सर। कमाल है, सब एक साथ ही मिल रहे हैं। एक काम करो, उन दोनों को छोड़कर उस लड़की को अंदर भेज दो। लेकिन इस खजूर का क्या करना है सर? इसे अंदर डाल। लॉकअप से मुझे डर लगता है। ए, चल उठ यहाँ से, चल। सर लॉकअप में एसी लगा है ना? हाँ, अभी तेरे लिए एसी लगवाता हूँ, चल। मैं स्टीम बाथ लेके आता हूँ। हाँ चल, अभी तुझे देता हूँ स्टीम बाथ अंदर, चल। क्या करते हो, लगती है ना? तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? पोस्टमैन सर। पोस्ट ऑफिस तो वैसे भी बंद हो गए हैं, खाली ही बैठे होंगे, कॉल करो उन्हें। सर, लेकिन सर, कुछ नहीं होगा, फोन करो। प्लीज सर। ठीक है, नंबर बोलो। 9848012345। अरे इसने तो उसे मेरा ही नंबर दे दिया। कमाल है, तुमने 9848012345 बताया, लेकिन मुझे सुनाई दिया 0881222114। प्लीज सर कॉल मत कीजिए, प्लीज सर। हेलो, आपकी बेटी राजनगर पुलिस स्टेशन में एक रैगिंग केस में लाई गई है, आकर उसे ले जाओ। तुम कौन हो? राणा प्रताप जय सिंह। बोला था ना, मेरा नाम बार बार सुनने में मिलेगा। फॉर्मेलिटीज अगर बाकी हैं तो कर लो, इन्हें लेकर जाना है। मैं लड़कियों पर कभी केस नहीं बनाता, इसमें भी इसके बाप की तरह घमंड ज्यादा है। ले जाओ इसे। ओके इंस्पेक्टर, थैंक यू। थैंक यू सर, राउडी फेलो। सुनो इंस्पेक्टर, मेरा लॉयर आ गया है, बाहर निकालो मुझे। मुंह बंद रख गवाह। गवाह नहीं सर, मेरा नाम गावस्कर है। इसको रोको, बार बार गलत जगह पे मार रहा है। मैं तुझसे एक बात पूछूं? हाँ? तो ठीक से मुझे जानता नहीं। तेरे जैसे को मैं अच्छी तरह जानता, तू मुझे नहीं जानता। आई, मैं बहुत ही खतरनाक और जालिम आदमी हूँ। बस करो, अरे बस करो, बर्दाश्त नहीं होता। मैं अभी अभी तुम्हारा दूसरी जगह ट्रांसफर करवा दूंगा। रुको, ये मेरी बात समझ गया है, छोड़ दो इसे। रानी, मेरे थिएटर में तुमने फिल्म देखी? पोस्टर देखे? हाँ जी। ये नई नवेली सी दिखने वाली कौन है? तो हमरी जोरू है। हम साथ साथ हैं, शिवरात्रि पर फिल्म लगाई थी ना। हाँ। अपनी घरवाली से पूछना फिल्म देखी, नहीं तो मैं दिखा दूंगा। लगता है इसको कहीं और काम पे लगाना पड़ेगा। क्या हाल चाल है एम्बुलेंस सर? अभी तक सर्विस शुरू नहीं की? अभी क्या तक कोई बीमार आदमी नहीं मिला? मुझे भी कहीं नहीं मिला यार। वैसे भी इसे यहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं समझता, सारा गांव इसे सर्विस ऑटो समझता है। अरे का करे जी, हमारे डॉक्टर बाबू सस्ता इलाज जो करते हैं। हाँ, लेकिन तुम लोग तो मुझे महंगे पड़ते हो ना। जो भी हो, बात तो पैसे की है ना सर, इसीलिए मुझे ये फिल्में लगानी पड़ती है। हेलो भैया। हाँ बोल रहे कालिए। कालिया मत बोलो, अच्छी क्रीम लगाऊंगा तो बराबर गोरा हो जाऊंगा। चल बोल, फोन क्यों किया? मुझे नंगा करके धो डाला, पूरा शरीर सूट गया है। अच्छा कौन है वो दबंग पहलवान? आके लड़ोगे उससे? मैं क्यों लड़ू? लातों से मारा मुझको, आओ। उसे मैं देख लूंगा, तुम आ जाओ। मैं नहीं आऊंगा, दूसरे फोन से जीजा जी को फोन कर रहा, क्यों नहीं उठा रहे? अभी तक उसने कान की मशीन नहीं लगाई। तुम फोन कट करो, मैं बात करता हूँ। क्यों जी, मोबाइल की घंटी सुनाई नहीं देती क्या? अगर मैंने उठाया तो बहुत मारेंगे जी। क्या बहुत मारेंगे जी? क्यों बे, जीजा जी कहाँ हैं?
साला बहरा कहीं का भी मशीन लगा रहा है। छोटे जीजा जी बड़े जीजा जी कहाँ हैं? यहाँ नहीं, खेत पर हैं। जा। अरे एम्बुलेंस निकालो रे। 30 सालों का सपना अब पूरा हो रहा है मिनिस्ट्री। इंसान में थोड़ा सबर होना चाहिए। सब आपकी तरह नहीं होते हैं सर। तुम जानते हो गुस्सा बहुत कॉस्टली होता है, उसे बार बार इस्तेमाल मत करो। दादा वो रविंद्रनाथ फिर से मिलने आ गया। रुकने को बोल, चलता हूं। तुम अंदर नहीं जा सकते। मुझे उनसे बात करनी है। चुपचाप यहीं खड़े रहो। ये क्या कर रहे हो? खड़े रहो। मुझे अंदर जाकर उनसे सिर्फ बात करनी है। कर रहा हूं ना। मेरा नाम रविंद्रनाथ है, आशा नाम के एनजीओ में काम करता हूँ। आजकल तुम लोग सेवा कम और किराया ज्यादा वसूल रहे हो। मैं कुछ लेने नहीं आया बल्कि कुछ देने आया हूँ। क्या देने आए हो? हाँ नोटिस। मैंने क्या किया? गरीब किसानों की आपने उनसे उनकी जमीन छीनी, ऐसी कंप्लेंट मिली है। हाँ लेकिन हमने तो पैसा देकर खरीदी थी कृष्णा। हाँ दादा। हम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं दादा। सुना तुमने, फिर ये किसान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता लगाता हूँ दादा। जल्दी ही लगाओ। ठीक है दादा। हम सच कह रहे हैं। देखिए मैं सच और झूठ की बात नहीं कर रहा हूँ, परेशानियों की बात कर रहा हूँ। ये किस चिड़िया का नाम है कृष्णा? पता नहीं दादा। देखो बेटा धूप ज्यादा हो रही है, जल्दी घर जाओ। हर कोई नोटिस लेकर चला आता है, इनको जवाब दूं या प्रजा की सेवा करूं? गाड़ी घुमाओ। जीजा जी नमस्ते। जीजा जी क्यों रे सत्तो, वो गंदी फिल्में लगाना कब बंद करेगा? कर दूंगा जीजा जी। पूरे गांव में लोग थू थू करते हैं। हाँ मुझे मालूम है, मेरे मुंह पर सब थूकते हैं। तू नहीं सुधरने वाला। आप ठीक कह रहे हैं। तू यहाँ क्यों आया है वो बोल। एक ट्रांसफर करवाना था। कृष्णा। दादा। जो भी बात हो कृष्णा को बता दिया करो। ठीक है जीजा जी। ये छोटी छोटी बातें मुझ तक लेकर मत आया कर। नहीं लाऊंगा जीजा जी। नमस्ते जीजा जी। 1 ए एक का ट्रांसफर करवाना है। 2 3 बैड न्यूज सर। ट्रांसफर कहाँ हुआ? सर नमस्ते। सर क्या हुआ इसे? पंचर हो गया सर। आप? मैं नया एसआई हूँ सर। कितनी देर से खड़े हो यहाँ? 10-15 मिनट हो गए सर। अच्छा रास्ते पर ऑटो ऑटो नहीं आते? आते हैं सर लेकिन रुकते नहीं हैं। क्यों नहीं रुकते? हम लोग पैसा नहीं देते हैं ना सर। किसी से लिफ्ट ले लो। वो भी नहीं रुकते सर। क्यों? हम कहीं उनका लाइसेंस ना पूछ लें। गुड चलो मेरे लिए भी नहीं जगह है सर। वैसे तुम आ कहाँ से रहे हो? अपना एरिया हैदराबाद की सीमा में आता है सर लेकिन कभी कभी गुल्लेरू एरिया तक राउंड पर जाना पड़ता है। ये जगह तो अच्छी है ना? बहुत अच्छी है सर। दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। ए ये एम्बुलेंस यहाँ किस लिए है? ये सत्तू बाबू है, शहर का वन ऑफ द वर्स्ट फेलो सर। ये यहाँ है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर। बॉयज सुन बे, हम तेरा राउंड अप कर रहे थे। ये मेरे लोग हैं, सुबह से ही हम लोग यहां तेरा इंतजार कर रहे थे। ए सुन रे छोटे। हाँ भैया। तू मेरे भाई को पुलिस स्टेशन में सोनाबाद दे रहा था ना, मैं तुझे बताता हूं सोनाबाद कैसा होता है।
बॉयज गो। सोना बात कराने वाले मर्द, गवाह कौन है, गावस्कर कौन है, आज सब पता चलेगा तुझे बेटा। सत्तू भाई, चाय लेकर आऊं क्या? 5 मिनट में चाय यहाँ होनी चाहिए, जा। हाँ जी। डाउट मत कर पुलिस वाले, तेरा बैड टाइम है, वेरी बैड टाइम। एलेक्स। यस बॉस। सॉरी बॉस, लेट बाय 10 मिनट्स। भैया, ये पीछे से हाथी का बच्चा कहाँ से आ गया? ये हाथी का बच्चा नहीं है, रोड पर चलने वाला रोड रोलर है। करेक्ट बोला। बोलिए बॉस। इन दोनों को छोड़कर बाकी सबको क्लियर कर दो। ये इस तरह गोल गोल उंगली क्यों घुमा रहा है? लगता है उसका हाथ कांपने लगा भैया। बॉयज, ये सब क्या हो रहा है? कुछ में इंसानियत तब की चीज नहीं है क्या? भाई चाय। ये चाय पीने का टाइम नहीं है। गर्मा गर्म अदरक वाली चाय है, 5 मिनट में लेकर आया हूँ। चाय पीजिए भैया। अब तू क्या करेगा? मॉर्निंग शो का टाइम हो गया है, अब आप परमिशन देंगे तो जाकर बुकिंग शुरू करूंगा। ठीक है जा। चलता हूँ भैया। जल्दी से खिसक लो यहाँ से। गवाह। फंस गया, आपने बुलाया। ये सारी प्लानिंग तेरी थी ना? मेरे बाप की कसम सर, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा भैया बोला अच्छी फाइट दिखाऊंगा, इसलिए यहाँ लेकर आया। तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? वो आपका ट्रांसफर करवाया था ना, इसलिए आपसे मिलने चला आया। हिलना बंद करो, ढंग से खड़े होकर बात कर, समझा? अगर दोबारा ये कॉलर ऊपर दिखा तो नहीं दिखेगा, और टी शर्ट इन की तो नहीं करूंगा जी। एनकाउंटर करके मार डालूंगा। टी शर्ट इनकी तो मार डालोगे? समझ गया जी, आराम से बात करना है। जा भाग यहां से, दोबारा देखा तो मार दूंगा। नाम राणा प्रताप जय सिंह, तुम्हारे एसपी से मेरी पटती नहीं। स्टेशन में कितने दिन रहूंगा मैं नहीं जानता, मेरे बारे में जानने लायक कुछ नहीं है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, वैसे आपको इस पुलिस स्टेशन के बारे में जानने लायक बहुत कुछ है। इस स्टेशन को वास्तु के हिसाब से बनाया गया है, आप देख लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा सर। आइए सर। और ये है हम सबको रिलैक्स होने के लिए, आप समझ गए होंगे सर, रेस्ट रूम। ये आपको जरूर पसंद आएगा सर। ये रूम सर सबके लिए शुभ रहे इसलिए उत्तरमुखी है, वास्तु दमदार है सर। धूल अभी साफ करवा देता हूँ सर। ये यहाँ सबके लिए इंडियन स्टाइल बाथरूम है सर, फिनाइल से धुलवा दूंगा। ठीक है। ये खाली जगह है सर, नॉर्मली यहाँ कोई नहीं आता है, अगर अलेक्स यहाँ खड़े हो जाए तो भर जाएगी। यस बॉस। ये स्टेशन ऐसा क्यों है? वो क्या है, 1870 में सारे पुलिस स्टेशन ऐसे ही बने थे ना सर। ये पुलिस स्टेशन का म्यूजियम ज्यादा लग रहा है। Alex, yes, boss. Urgently diagnosis लगवाओ और LED TV लगवाओ। Okay. सरकारी काम यहाँ पर 24 hours चलेगा,
सो डेकोरेशन के लिए बाहर कुछ इंतजाम करो। अपने अमेंडमेंट कॉप्स फिल्म की तरह कैदियों के लिए लॉकअप बनवाओ। मैं इंट्रोगेट करूँ तो रूम फ्रेशनर होना चाहिए, कोई बात करे तो माउथ फ्रेशनर होना चाहिए। एलेक्स, ये सब करने के लिए कितने दिन लगेंगे? गिव मी 15 डेज बॉस। तो फिर 15 दिन पुलिस स्टेशन बंद रखो। सर, ओके बॉस। पुलिस स्टेशन कैसे बंद होगा सर? तो फिर मोबाइल कोर्ट की तरह मोबाइल पुलिस स्टेशन का इंतजाम करो। लेकिन कैदियों को क्या करेंगे सर? उन्हें भी अपने साथ रखेंगे, फ्रेश एयर में रिलैक्स फील करेंगे। मेरी निगरानी में देखना पुलिस स्टेशन कैसे फलता फूलता है। ए, ये तो अपनी वाली है। मैं देख लेता हूँ सर। ए, क्लियर करो, सब क्लियर करो। ए, क्या देख रहे हो? ओह नो, बाप रे, ये यहाँ कैसे आया? शुड आई सॉल्व बॉस? एलेक्स, रिलैक्स। ओके बॉस। मेरी तरफ नहीं आए, मेरी तरफ नहीं आए, मेरी तरफ नहीं आए। सुनो। ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। मैं जहाँ जाता हूँ तुम तो वहीं आ जाती हो। फॉलो कर रही हो या लाइन मार रही हो? जी जी। मतलब मैं लाइन मारने लायक नहीं हूँ? ऐसा नहीं है सर, मेरा चीची फॉलो नहीं करने के लिए था। मतलब लाइन मारूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? कभी आप ऐसा बोलते हो, कभी वैसा बोलते हो, मैं क्या जवाब दूं सर? कितने एक्सीडेंट कर चुकी हो? लाइफ का फर्स्ट एक्सीडेंट है सर। आई एम आल्सो फीलिंग वेरी बैड सर। मतलब अब 3-4 को टपका कर ही ड्राइविंग सीखनी है तुम्हें? अब मैं क्या करूं सर? अब अगर दोबारा तुमने कोई गलती की ना तो टांगे तोड़ दूंगा, समझ गई? अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी सर। जाओ। मेरे पीछे क्यों हो पड़े आशिक प्रेमी तुम तो बन के यहाँ वहाँ जाऊं जहाँ तुम वही मिलते करूं अब मैं क्या करूं रब्बा बता दे मुझको कहाँ जाऊं बच के डेंजर फैलो। ये इश्क ना हो ये भूल ना हो अरे प्यार से बचो, ये सितम ना हो दिल का रोग ना हो बहुत बड़ी इसकी सजा है इश्क से बच के चलो। मंदिर में भी तुम तो आए मंदिर में भी इश्क में पागल दीवाने तुम हो गए हो, छोड़ो अब तुम पीछा करना ऐसे इशारे क्यों करते हो, श्री राम सिया राम की माला क्यों नहीं जपते हो। नीला पीला पानी से तू मुझे कर दे ऐसे गिला, अपने दिल को इस दिल से तू आज सनम दे तू मिला। रंगे हम एक दूजे को इस रंग में प्यार मिला, जीवन भर न छूटेगा ऐसे रंग तू तू पास तो आ। मंदिर में भी तुम तो आए मंदिर में भी इश्क में पागल दीवाने तुम हो गए हो, छोड़ो अब तुम पीछा करना ऐसे इशारे क्यों करते हो, श्री राम सिया राम की माला क्यों नहीं जपते हो। प्यार से बचो, ये सितम ना हो दिल का रोग ना हो बहुत बड़ी इसकी सजा है इश्क से बच के चलो। मेरे पीछे क्यों हो पड़े आशिक प्रेमी तुम तो बन के यहाँ वहाँ जाऊं जहाँ तुम वही मिलते करूं अब मैं क्या करूं रब्बा बता दे मुझको कहाँ जाऊं इससे बच के डेंजर फेलो।
नो कमेंट्स, तुम चलो। नो कमेंट्स। सर, दुर्गा प्रसाद जी। हेलो दुर्गा प्रसाद जी, आइए आइए। हेलो सर। मैडम आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अभी अभी फोन पर बात हुई थी, लेकिन किसानों के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बातें यहाँ की मीडिया को भी पता चल गई हैं। स्टेट में होने वाली न्यूज नेशनल इंटरेस्ट नहीं बननी चाहिए। इस बार हम रुक जाते हैं। चाहते हो तो मैं बात करूं क्या मैडम से? अरे यार वो हाथ कहाँ लगती हैं, बातों बातों मैं भूल ही गया। इट्स अ वेरी गुड टी पार्टी, हैव अ टी। हाँ आता हूँ। साहब चाय। आज के दिन के लिए ही राजनीति में आया था। उस वक्त देखने के लिए टीवी बदलने के लिए चैनल नहीं था, तब बना था साला ये मिनिस्टर। पूरे शहर की जायदाद खा गया था, तब समझ में आया था अगर कुछ बनना है तो छीनना ही होगा, छीनना ही होगा। साहब मैं कुछ समझा नहीं साहब। इसीलिए तुझे सुना रहा हूं मैं, अगर समझ जाता तो मेरे दर्द को भी समझ पाता। अरे चलो, अरे भागो, चलो, रुको। इस गांव में कौन मर्द है जो आवाज उठा रहा है? और वो आवाज दिल्ली तक पहुंच गई इसका पता मुझे आज चला है। पहले पता होता तो गांव के लिए लड़ने वाले का गला सूख रहा है। अगर गांव में कोई मर्द है तो उसे पानी पिला सकता है।
और कोई मर्द है यहाँ? अरे ओ रेड्डी, वहां तो बताया था यहाँ बहुत लोग आते जाते हैं, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। साहब, एक समय बहुत लोग आया करते थे, अब इस झील की वजह से यहाँ बहुत परेशानी हो गई है, इसीलिए आना बंद कर दिया होगा। माचिस है क्या? मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ सर। लेडीज से मांगते नहीं है। तुम्हारे पास माचिस है? नहीं है सर। दादा, आपके पास माचिस है? ओ दादा। दादा, आपसे पूछ रहे हैं। दादा, दादा, क्या बात है, मछलियों को घूर कर देख रहे हो? तले में तैरती मछली आंखों से नहीं दिखती बाबू। इन्हें तो बिना पिए ही चढ़ गई है, सिगरेट का नुकसान। ए गुड़िया, तेरा नाम क्या है? स्वेच्छा। अरे, जब मन करे तब स्कूल जाएगी, इसलिए स्वेच्छा नाम रखा है। इसका ये नाम इसके पापा ने रखा है। इसका पापा इसके लिए पागल रहता है और ये स्कूल जाने के लिए। टोटल पागल फैमिली लगती है दादा। इस दुनिया में इंसान के बारे में सोचने वाला हर इंसान पागल है। अरे बाप रे, माचिस है या नहीं पूछा, वो तो नहीं है, लेकिन आप मेरी क्लास ही लेने लग गए। अरे ओ रेड्डी सर, आज तो पूरा दिन खराब हो गया। आज का दिन बहुत अच्छा है। ये पुलिस वाला यहाँ क्यों आ गया? इसे पता चल गया क्या? ये गावस्कर मुझे मरवा कर छोड़ेगा। नमस्ते भैया। क्यों बे सत्तू, इतने प्यार से क्यों बोल रहे हैं भैया? ये क्या काम कर रहे हो तुम लोग? ऐसा हमने क्या कर दिया भैया? तुझे नहीं पता? नहीं पता भैया। बाहर पोस्टर कुछ और अंदर दूसरी मूवी चलाते हो? ऐसी बात नहीं है भैया। तो फिर कैसी बात है? ये आपसे किसने कहा भैया? पापों का अंत, नैना मुजरे वाली, सोलर टीचर, इन सारी फिल्मों के सेंसर सर्टिफिकेट हैं भैया। सत्तू भाई, सत्तू भाई, बिट्स नहीं दिखा रहे हैं तो लोग अंदर शोर मचा रहे हैं, अभी लगाऊं या फिर इंटरवल के बाद? ए, दोबारा समझाऊंगा नहीं। गलती हो गई भैया। अरे बाबा, अच्छा हुआ इसका मैंने मशीन नहीं लगाई। क्या यार, वो पुलिस वाला मुझे परेशान कर रहा है। अब क्या हुआ? बिना बिट्स की फिल्म और बिना कपड़ों के इस पागल को कोई देख सकता है क्या? तू देख सकती है। शो। अबे बहरे, सुनाई नहीं देता क्या? कितने स्टाइल से सिगरेट बुझा रहा है सत्तू। मशीन नहीं लगाएंगे क्या? देख लिया ना आपने, इसे हमारे इमोशन से कुछ लेना देना नहीं है। होगा भी कैसे, मशीन तो यहीं छोड़कर चला गया, अब तो उसे कानों की भी जरूरत नहीं है। सुनिए, आप ही उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। इसे? उस पुलिस वाले को, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। देखो सत्तू, क्या करना है मैं बताऊंगा, लेकिन करना तुमको पड़ेगा। तो जल्दी बोलिए ना, मुझे क्या करना होगा? कल पार्टी के ऑफिस से रैली निकल रही है। पार्टी के कार्यकर्ता करीब 300 लोग होंगे और पुलिस वाले करीब 30 लोग। सभी को धो डालो, सब ठीक हो जाएगा। पुलिस भाई, जरा उस बहरे को तो देखो, उसके जैसी फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। है? क्या है? कोई बात नहीं है बहरे भाई। सुनो भाई, वो लोग आएंगे नहीं क्या? मेरे आदमी लोग बहुत जोश में हैं। एक इशारे पर काट डालेंगे। मैं जब तक यहां हूं कोई हंगामा नहीं, जाने के बाद। जैसा तुम कहो। कांस्टेबल रेडी रिपोर्टिंग सर।
बाकी के लोग कहाँ हैं? ऐसा ही साहब ने अकेले आने की परमिशन दी सर। मैंने सबको यहाँ आने को बोला था। मुझे नहीं पता सर। हेलो, रैली प्रोडक्शन के लिए मैंने पूरे फोर्स भेजने के लिए बोला था। हाँ, भेजना तो चाहता था लेकिन एसपी साहब ने ऑर्डर दिया था, इसलिए मैंने फोर्स नहीं भेजे। अबे ये चिल्लाओ मत, इस विषय में कोई इंटरफेयर मत करना। जो भी होगा मैं उनसे बात कर लूंगा। ए, हलो हलो, पुलिस भैया, इतने दिनों तक हम प्लानिंग करके अगरबत्ती बने, अब तुम्हारी बात सुनकर मोमबत्ती बन गए और तुम अब लल्लू बन गए। एक बात बोलूं, अच्छा हुआ इसका पता उस बहरे को नहीं चला, पता चलता तो उल्टा तुम्हें धो डालता। हेलो सर, उसने प्रोडक्शन के लिए एक आदमी भेजा रैली में। मुझे बोला तो आपसे बात करेगा, उसे एक बार मेरे पास भेजो। कॉफी। अरे बाप रे, लगता है इसे देखने आए हैं। अभी उंगली करता हूँ। लड़की बहुत सुंदर है ना जी। गुड मॉर्निंग सर। ये यहाँ क्यों आया है? ये पुलिस वाला तो पागल है। गुड न्यूज सर, आपकी बेटी पर से ड्रंक एंड ड्राइव केस और ट्रिपल राइडिंग केस और रैगिंग केस भी हटा दिए गए हैं। मम्मी, इस पर मर्डर और रेप के अलावा सारे केस लगे हैं। परेशान मत हो बेटा, हम सब देख लेंगे। यहाँ क्यों आए हो? सीआई ने मिलने को कहा। तुम्हें यहाँ नहीं, मीटिंग में आना था। ओके। राणा, गिव मी अ ब्लडी डैम एक्सप्लेनेशन। Why did you not send your man for protection? ये और इसके इंग्लिश। It's me. जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, राष्ट्रभाषा हिंदी में बात कर सकते हैं। Don't try to expert, huh? Okay. सर, यहाँ के लोगों की संख्या 300,000 है सर, और पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल की संख्या 30 है सर। मतलब उसके हिसाब से 10,000 लोगों की देखभाल एक कांस्टेबल करता है सर। मिनिस्टर साहब और कार्यकर्ता सब मिलाकर सब 300 से कम ही लोग थे सर, तो फिर मैं एक से कम कैसे भेज सकता था? इसलिए सर, एक को ही भेजा सर। सर, आई हैव वन मोर डाउट सर। सिर्फ आपके लिए आपके घर में पूरे 20 कांस्टेबल रहते हैं, इसकी क्या जरूरत है? एक खाना बनाने वाला, एक टेलीफोन ऑपरेटर, एक ड्राइवर, 4-5 होम गार्ड। मैं क्या कह रहा हूं आप समझ रहे हैं ना? मीटिंग सस्पेंडेड। ओए राणा, बाहर आ। मार डालूंगी आज तुझे। बाहर आ। अरे सुनो सुनो सुनो, पत्थर मत फेंको। बाहर निकालो। बाप को कुछ बोला तो ये चली आई। ए, इधर आ। क्या हुआ? सब खत्म हो गया सर, सब खत्म हो गया। आपकी वजह से मेरी शादी कैंसिल हो गई। उसे इम्प्रेस करने के लिए साड़ी पहनी थी मैंने सर, फेसबुक पे फोटो अपलोड किया, सिविल सिलेक्ट एड सर, सिविल सिलेक्ट। इस बार मैंने सोचा था कि मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी सर, पर कुछ नहीं हुआ, सब खत्म हो गया। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को तुमने मारा, उनकी हत्या करने की कोशिश की, तुम पर गुंडागर्दी का केस बनता है। इतना छोटा पत्थर मारने से कोई मरता है क्या सर? मुझे क्या पता, मुझे कैसे पता, मैंने किसी को मार कर नहीं देखा है। अब मुझे क्या करना होगा सर? रोज अटेंडेंस देनी होगी यहाँ पर। तुम घर से कॉलेज जाओ या कॉलेज से घर आओ या फिर कहीं भी जाओ, फोन करके बताओगी कि कहाँ हो, नहीं तो तुम्हारे बाप की। आपको मेरा नंबर चाहिए तो डायरेक्ट मांग लीजिए सर। तुम कुछ भी समझो, जाओ जाओ। पूरी बाप पर गई है।
एमपी चौधरी दुर्गा प्रसाद को अपने ही चुनाव क्षेत्र में बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। बर्थडे के मौके पर रैली करने की सोच रहे एमपी दुर्गा प्रसाद को पुलिस ने झटका दे दिया। राणा नाम का इंस्पेक्टर है दादा, लेकिन इंस्पेक्टर राणा जय सिंह ने वहाँ सिर्फ एक ही कांस्टेबल को भेजा। हेलो राणा साहब। हाँ बोल बे गवाह। आवाज बदली फिर भी पहचान लिया। बात कुछ नहीं है, आपने मेघा को वार्निंग दी थी लेकिन वो एक सब्जेक्ट में फेल हो चुकी, क्या है सच है? वो तेरी फ्रेंड है या मेरी फ्रेंड है? ऑफ कोर्स वो मेरी फ्रेंड है। गधा कहीं का। अच्छा तो क्या हुआ? काट दिया इसने। ए रेड्डी कहाँ है? सर बोलो। मेरे कुछ फ्रेंड्स दिल्ली जा रहे हैं सर, अगर आप परमिशन दे दे तो मैं 3-4 दिन के लिए चली जाऊं। क्यों, लाल किला कभी देखा नहीं है? ऐसी बात नहीं है सर। किसके साथ जाओगी? मेरे पास एक बेटर आइडिया है, एक दिन जाना और एक दिन आना। और एक दिन पूरा वहीं, क्या कहती हो? मुझे डर लग रहा है सर। यही सोच करना कि मैं कुछ कर ना दूं। वहां कुछ करोगे नहीं ये सोचकर सर। बाप रे, ये तो मुझसे भी फास्ट है। सर। हाँ बोलो। क्या कर रहे हैं आप सर? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बिजी हूँ। आप बिजी भी होते हैं सर। अब आपकी बारी। ए, ईगो हर्ट मत करना। पास में कोई बैठा है सर? तो फिर अकेले में आइए ना सर। आ रहा हूँ। ड्रॉप द गेम। गुरुजी आपके लिए। शुड आई कम बॉस? एलेक्स रिलैक्स। बेटा एक मिनट। दो मिनट बैठिए। बेटा मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी थी। मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में मिलता हूँ। और मुझे कितनी बार लोगों को बताना होगा? कुछ दिनों से मेरा आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है यहाँ। वो कौन है माजी? मेरे पति वेंकटेश्वर राव। नवंबर की 21 तारीख से दिखाई नहीं दे रहे हैं बेटा, इन्हें ढूंढने में मेरी कुछ सहायता कर दो ना बेटा। मैं सहायता नहीं करूंगा, न्याय करूंगा। रेडी। कॉल लिस्ट लेकर आओ। ओके सर। सर कॉल लिस्ट। क्या इन्हें आप जानते हैं? हाँ, 2 महीने पहले लोन के लिए हमारे बैंक में आए थे। मैंने बहुत कोशिश की सर, लेकिन
क्या हुआ था? आप बुरा मत मानिएगा, पुलिस डिपार्टमेंट वैसे ब्लैक लिस्ट में होती है सर। स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड अगर नहीं हो तो लोन सैंक्शन होना बहुत मुश्किल होगा सर। नवंबर 16 से 21 के बीच में वेंकटेश्वर राव के तुम्हें बहुत फोन आए थे, क्यों आए थे? पीसे मांगने के वास्ते फोन किए थे सर। दिए तुमने? नहीं साहब, पहले ही बहुत कर्ज ले चुके थे, मांगो तो आज दूंगा कल दूंगा करते रहते थे। रिश्वत लेते थे? नहीं साहब, मेरी जानकारी के मुताबिक बहुत सिंसियर थे। मेरा एक छोटा सा सेटलमेंट था, मैंने कहा करवा दो तो कीमत भी दूंगा और कर्जा भी दूंगा, लेकिन नहीं माने, बहुत ईमानदार थे साहब, गुड मैन। तुम जा सकते हो। हेलो माँ जी, मैं राणा। हाँ बेटा बोलो। कुछ समय पहले घर में पैसों की जरूरत थी क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा बेटा, उनके बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं माँ जी, घर में पैसों की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो पैसा मांग रहे थे। किस लिए? नवंबर 16 से पैसों के लिए घूमना शुरू किया, मतलब उसके एक हफ्ते पहले जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। चर्चा है। रेड्डी सर, नवंबर 16 से एक हफ्ते पहले तक की छोटे पॉकेट मार से लेकर हर पार्टी मीटिंग तक की हर छोटी बड़ी डिटेल चाहिए। यस सर। सर नवंबर 13 तारीख को सीएम साहब आए थे, हम लोग वहीं पर थे सर। उस दिन पुलिस स्टेशन में कौन था? वेंकटेश्वर राव जी और शेखर नाम का एक कांस्टेबल भी था सर। वो कहाँ है? छुट्टी पर है सर। उसका फौरन पता करो कहाँ है। यस सर। दुनिया में पाप करने के बाद मंदिर में आने के बाद धुल जाते हैं क्या? सुनो, मेरे पास टाइम और सबर दोनों नहीं है। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन पुलिस स्टेशन में मैं और वेंकटेश्वर राव थे सर। लिखेगा, अब दोबारा लिखेगा। आज तुम मेरे हाथों मरने आया। लिखेगा, लिखेगा बहुत। लिखेगा सर। एक चाय बोल। ठीक है सर। तुम्हारे लिए भी चाय मंगाऊं क्या? पेन में जितना दम था उतना खोपड़ी में नहीं। तुम डरे हुए क्यों दिख रहे हो? अरे साले में दम ही नहीं था, चार फटके में गिर पड़ा। सर दौरा पड़ा है, बता के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दो। हेलो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं घाटी गांव पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, जल्दी से एक एम्बुलेंस भिजवा दीजिए। अरे ऐसे कैसे मार डाला तुम लोगों ने? ये आप क्या कह रहे हैं सर? पुलिस स्टेशन में तुम और वही था, मरने वाला हवालात के अंदर, फिर उसको मैं कैसे मार सकता हूँ? अब मैं तो उस वक्त सीएम के बंदोबस्त में लगा था। लेकिन मारा तो आपने है सर। ये बात तुम जानते हो और मैं जानता हूँ, बाहर वाले थोड़े। अगर लाल गांधी के नोटों का बंडल दोगे तो बात बन जाएगी। मैं अपनी तनख्वाह पर गुजर बसर करता हूँ सर। वो तुम्हारा लुकआउट है, वरना मर्डर केस तुम पे बनेगा। मैं नहीं दे सकता सर। मांग नहीं रहा हूँ, देने के लिए बोल रहा हूँ तुम दोनों से। और उस दिन से किसी के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई, और ना ही इंसानियत को मार कर वहां रहने की। इसीलिए यहाँ छिप कर जिंदगी बिता रहा हूँ सर।
और उनका क्या हुआ? नौकरी के जाने से उनका परिवार सड़क पर ना जाए इसलिए वो घबरा गए थे सर। उसके बाद कहीं दिखाई नहीं दिए। वो बहुत स्वाभिमानी इंसान थे सर। आखिरी बार कब मिले थे उनसे? नवंबर की 21 तारीख को। नवंबर 22 को मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, मतलब उस दिन वो मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी। मेरा स्टेशन आ गया है, मैं चलता हूं। आप इन्हें जानते हैं? मुझे नहीं पता सर। मिसिंग फाइल की रिकॉर्ड दो। क्यों? फौरन दो। क्या हुआ भाई साहब इनको? नवंबर 22 से मिसिंग है। इस चौकी में कोई केस फाइल दर्ज हुआ था? यहाँ कितने आते हैं कितने जाते हैं मुझे कैसे पता चलेगा? बताओ कौन मिसिंग हुआ था कौन नहीं, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ सर? अब आप जाइए सर। सर नवंबर 23 तारीख को एक आइडेंटिफाइड और एक अनआइडेंटिफाइड, दो बॉडी चाहिए सर। बॉडी किसकी है तुझे पता है? वो मुझे नहीं पता सर। ड्यूटी पर एक कांस्टेबल मर गया था, ये बात मुझे गैंगमैन ने बताई सर, और सीआई साहब को मैंने फोन करके इन्फॉर्म किया था सर। ये बात अगर बाहर पता चली तो बड़ा केस बन जाएगा, इसलिए उस बॉडी की यूनिफॉर्म निकाल कर जला दिया सर। अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली है ये डिक्लेयर करने को कहा सर। मरने से पहले उन्हें मेरे पैसे मिले थे लेकिन नहीं लिए। भूख और इच्छा के बीच की जरूरत होती है कहा था, मैं समझ नहीं पाया। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद से अब तक मैंने कुछ नहीं किया, एक बार कुछ करना चाहता हूं सर। ये सब किस लिए? वो सीआई कहां मिलेगा? पुलिस वाला कोई भी यहां अंदर नहीं जा सकता। ए, तुझे बोला तो बात समझ में नहीं आती। इसको पता चल गया, मरने वाला पुलिस वाला, मरा वो भी पुलिस वाला, आया भी पुलिस वाला, चल केस कर दे। मैं भी वही कर रहा हूं, गया वो भी पुलिस वाला, करने वाला भी पुलिस वाला, तुझे यहां से खींच कर ले जाने वाला भी एक पुलिस वाला।
अभी देख, लगता है ये तो मर गया। पुलिस वाले भैया, कितनी मजाकिया मौत मरा है ये। सुनो सत्तू, इसे एम्बुलेंस ने ठोका है, तुम विश्वास क्यों नहीं करते हो? मुझे इस बात पर थोड़ा डाउट है भैया। तेरा डाउट एकदम सही है। भैया सुन बे, इसे अरेस्ट करता तो बेल लेकर फिर बाहर आ जाता, मारता तो एक केस बन जाता। एम्बुलेंस ने ठोका है, विश्वास कर। सही कहा भैया, और अगर मैंने अपने जीजाजी को कह दिया तो? क्या कहेगा उनसे? तुमने इसे मारा है कहूंगा। किसने कहा तुमसे? पूछा तो मैं तुम्हारा ही नाम बता दूंगा। वो विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। थोड़ा रिलैक्स होना चाहता था इसलिए शेयर कर लिया। इतनी फैसिलिटी आपने मुझे ही क्यों दी भैया? मैं नहीं जानता, तूने बात छेड़ी थी, मैंने बता दी। अब मुझसे भी नहीं रहा जा रहा है भैया, अब मैं इस बात को किसके साथ शेयर करूं? बहरे के साथ शेयर कर ले, जब देखो तब साला मशीन उतार कर ही रखता है। चलता हूं मैं। जाइए भैया, जाइए। दादा, यही है राणा जयसिंह। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है, प्रजा का सेवक हूं। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। आई एम प्राउड ऑफ यू। उस फैमिली को न्याय दिलाना चाहते हो। कितने टैलेंटेड हो, कितने शार्पनेस हो। इस गांव में बेकार हो जाओगे। बोलो कहां ट्रांसफर करना है, जहानाबाद या और कहीं? ए कृष्णा साहब के ट्रांसफर की बात करो, 10 लाख मांगेगा तो मैं देख लूंगा। 20 देकर मैं रुकवा लूंगा। नहीं जाओगे? कृष्णा साहब को ट्रांसफर नहीं चाहिए। देखो इस गांव में अनपढ़ लोग कुछ ज्यादा ही हैं, कब क्या होगा कह नहीं सकते। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं सह नहीं सकूंगा। आपके रहते मुझे कुछ नहीं होगा, यह मैं जानता हूं। यहां तुम्हें क्या पसंद आया? आप कृष्णा, गाड़ी निकालो। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीढ़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सरकार को यहां पर शौचालय बनवाना चाहिए था जीजाजी। कृष्णा भाई, कम से कम हमें ये काम तो शांति से करने दो ना। क्या दादा, उसे ऐसे ही वापस जाने दिया? आप अगर कहते तो काट डालता उसे।
कृष्णा भाई, एम्बुलेंस को कभी तुमने नजदीक से देखा है क्या? मतलब? नहीं देखा होगा। जीजाजी, कुछ लोगों को दबोचना चाहिए, कुछ लोगों को कुचलना चाहिए, लेकिन इसे तो गाड़ना चाहिए। गाड़ दे। बच्चू बाबू, पानी दो, शर्ट धोनी है। शादी हो गई तुम्हारी? नहीं सर, अभी नहीं हुई। ए, फोन क्यों कट किया? बोलो, फोन क्यों कट किया? वो थोड़ा मैं बिजी था। लेकिन तुम तो यहाँ हंस रहे हो। बस अभी अभी फ्री हुआ हूँ। फिर कॉल क्यों नहीं किया? वो क्या है? गो। यस मैडम। ये कैसे गुंडागर्दी है? पहले तो सर सर बड़े प्यार से बोलती थी और अब ए, चिल्लाओ मत। तब तक तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया था, अब तुमने मुझे प्रपोज किया, अब मेरी मर्जी चलेगी, समझे? अगर तुमने दोबारा मेरा फोन नहीं उठाया, देखो अगर तुम मर भी रहे हो ना तो फोन उठाना और मुझे बताना कि तुम मर रहे हो, उसकी बात तुम आराम से मर जाना। गाड़ी रेडी है सर। सर जल्दी चलिए। ये तुम्हारा चमचा है ना? मैडम मैं बाद में आता हूँ। ए रुको मैडम। अपना नंबर बोलो। किसी लिए मैडम? अगर तुम्हारे सर ने फोन नहीं उठाया तो मुझे तुम्हें फोन करना पड़ेगा। अगर मैं बिजी हूँ ऐसा कहा, किसी दूसरी जगह हूँ कहा, ऐसा कभी बोला तो तुम मुझे लाइन मारते हो। डैडी को बोल दूंगी। मैडम आप लोग बिजी हो ना? मैडम जाइए। आइए सर। बिना सिग्नल के रोड पर चलने में कितना सुकून मिलता है। गाड़ी राइड घुमा लो। सर मैडम बहुत ही वायलेंट है ना सर। रेडे सर, मेरे सोचने वाली बातों को तुम क्यों सोच रहे हो? सॉरी सर। रेडी गाड़ी रोको। नमस्कार बाबू। ए गुड़िया, कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ। हमें गांव इसी रास्ते से जाना होता है। बैठिए। आप क्या करते हैं दादा? दुर्गा प्रसाद जी के खेतों में काम करता हूँ। कितना मेहनताना देते हैं वो? हमारा जितना बनता हुए मांगे तो कहाँ मिलता है। ऐसा क्यों? जितना बनता है उतना देना चाहिए। तुम मेरे बेटे की तरह बोलते हो बाबू। तुम्हारा बेटा ही नहीं, हर कोई ऐसा ही बोलेगा। सुनो गुड़िया, तुम्हारे पापा राइट हैं, दादा के साथ घूमना बंद कर दो। बाबू गाड़ी यहीं पर रोक दो। क्या तुम्हारा नाम स्वर्णलता है? मेरा मतलब सॉरी भैया 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 भैया। कैसे आना हुआ बोल? टोयोटा इनोवा, मार्केट में 20 लाख, आपके लिए फ्री। भैया बड़ी बड़ी सीटें, एसी बहुत चिल्ड होता है, दौड़ती है तो 120 km, वो भी आपके लिए फ्री। ये क्या भैया, पुलिस स्टेशन में शेर पाल रखा है क्या? ये हाथी दोबारा क्यों आ गया? बॉस पहली बार केस सक्सेसफुली कंप्लीट किया, इसलिए आपके पिताजी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है बॉस। स्वर्णलता मेरे पास एक स्विफ्ट डिजायर भी है, तुम चाहो तो वो तुम्हारे लिए फ्री। अभी आया भैया। भैया जीजा जी ने भेजा, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया। भैया टोयोटा इनोवा चलाओगे तो जीवन का आनंद उठाओगे। बॉस अरे बाप रे बाप, अरे वाह 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 वाह, ये जबरदस्त गिफ्ट है। अरे बाप रे बाप, वाह वाह वाह, मुआ मुआ। आपके पास तो इतनी महंगी कार है, आपको मैं ही क्या, मेरे जीजा जी का बाप भी नहीं खरीद सकता। भैया मेरी पहचान 2-3 इंग्लिश बोलने वाली आइटमों से है, कभी 1 घंटे के लिए मुझे दोगे तो मैं उन्हें अपने साथ
इस कार में घुमाना चाहता हूँ भैया, एक घंटे के लिए दोगे क्या भैया? देखते हैं। आई लव यू राजा। सुनो रेड्डी। सर। 20 लाख की कार गिफ्ट में देने को तैयार हो गया तो ये लोग काम क्या करते होंगे? इनकी कहानी पढ़नी है तो रोज का अखबार भी कम पड़ जाएगा सर। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो हर किसी से रिश्वत लेता हूँ ना सर। शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? आपके पास बड़ी कार है इसलिए आपने नहीं ली, आपकी जगह कोई और होता तो छोड़ता नहीं सर। तनख्वाह तो आती है ना? हाँ बहुत आती हो। जैसे आपकी सैलरी कितनी है बताइए? सब कुछ मिलाकर 50-60 हज़ार तो होगी। आपने कभी सैलरी स्लिप देखी नहीं है शायद। आपकी तनख्वाह 14,500 है और हमारी तनख्वाह 8,800 रुपए है। और इतने में लाठी टोपी एसपी सब है। क्या कहा आपने सर? कल देखना। ए, कहाँ जा रहा है? हमें बुलाया है। जीनू भैया, पुलिस आई है भैया। क्या बात है, यहाँ तुम लोग क्यों आए हो? पार्टी में छुपे हुए गुंडे और बदमाशों को तोड़ने के लिए। साहब ने फंड्स के लिए बोला है। ए, यहाँ पर आकर क्या बकवास कर रहा है तू? जीनू भैया, सुना नहीं आपने? लुच्चे गुंडे बदमाशों की बात कर रहा है। हम लोग तो राजनेता है ना। क्यों जीजा जी? ₹10,000 दे के भेज दे। कोई कितना भी पैसा क्यों ना दे, हमें तो सिर्फ 500 ही लेने को बोला है सर। समझदार आदमी लगता है जीजा जी। दे दो। आपने बुलाया सर? ये बताओ तुम गुंडे हो या पुलिस वाले? हफ्ता वसूली किससे पूछकर कर रहे हो? ठीक, पुलिस की धज्जियां उड़ा रहे हो। देखो मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे नहीं पता मत समझना। एक केस सॉल्व क्या कर लिया, तुम अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझने लगे हो क्या? सुनो, ऑन द स्पॉट तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूं। देखता हूं मुझे कौन रोकता है, इडियट। हेलो सर, यही पे है सर? ऐसा कुछ नहीं है सर। ओके सर, ठीक है सर। हम भी अपनी तैयारी से आते हैं। देखो जब मैं यहां आया था तो सोचा तुम्हें सिर्फ मुझसे प्रॉब्लम है। यहां आने के बाद पता चला यहां प्रॉब्लम किसी और की वजह से है। इसलिए सब अपना अपना काम करे तो बेटर है। मालूम है 1950 में गांधी जी ने क्या कहा था? पुलिस वालों को तनख्वाह पूरी नहीं पड़ती, समय हो तो सोचना। क्या बात है सर, आपकी मेमोरी मामूली नहीं है सर। उस समय हुई 1950 की बात आज भी आपको याद है। रेड्डी सर, तब तक तो गांधी जी चल बसे थे सर। फिर ये बात एसपी साहब को क्यों याद नहीं आई सर? वो जीके में वीक लगते हैं। ओ, और एक बात बताइए सर, ये बात आप अपने नाम से भी तो कह सकते थे लेकिन आपने गांधी जी का नाम लिया। रेड्डी, कोई अच्छी बात बतानी हो तो गांधी जी नेहरू जी ने कहा है तो सुनेंगे, हमारी बात कहां सुनेंगे ये लोग। पॉइंट है सर, बहुत कुछ समझ गया हूं मैं। कुछ ठंडा सा पीना होगा सर। चलो। मेरे डैड को डीजीपी से वार्निंग दिलवाई तुमने? तुम्हें किसने बताया? फोन करवाया था या नहीं? कमाल है, ऑफिस की सारी बातें घर जाकर बताते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे डैडी ने मम्मी को बताया और मम्मी ने मुझे बताया। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे डैडी को सपोर्ट किया, अब तुम मेरा सपोर्ट नहीं करोगी? इसीलिए अब तक कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें पसंद करती हूं, मेरी डैडी से तुम्हारी बनती नहीं, ये कैसा लॉजिक है? डार्लिंग, अंग्रेजों से हर कोई नफरत करता था लेकिन उनकी बनाई हुई सड़कों पर आज भी घूम रहे हैं। उनकी बनाई हुई बिल्डिंगों पर तुम्हारे डैडी जैसे लोग बैठा करते हैं। यहाँ पर्सन से ज्यादा प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है। तुम्हें अपने आप पर इतना गुरूर क्यों है? तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये भी तो पूछ सकती हो। पोस्टर चिपकाने का काम मेरा है, चिपकता साला मालिक है। सत्तू साहब, क्या हुआ? रानी ने आपको बुलाया है। रानी ने मुझे क्यों बुलाया है? भैया भैया, कल रात बहरे जीजा जी ने दारू पी के रानी के नाम थिएटर लिख डाला। अरे बाप रे,
हे भगवान, किसका थिएटर किसके नाम कर डाला? ये सब पूछने का टाइम नहीं, जल्दी चलो उसके पास। मेरा क्या होगा? ये तो पता नहीं चलेगा क्या होगा आपका। एक हफ्ते उसके साथ क्या रहा, थिएटर ही उसके नाम कर दिया। बकवास बंद करके पकड़ो उसको। क्यों, तेरे बाप का सिनेमा हॉल है क्या? क्या हुआ सत्तू, रुक क्यों गए वहाँ? गावस्कर ने बता तो दिया होगा ना, आप थिएटर छोड़कर कब जा रहे हो बता दोगे तो डीटीएस करवा के न्यू रिलीज मूवी लगवा दूंगी। रिलीज मूवी लगाएगी? और कहाँ लगाएगी तू? तेरे बाप का थिएटर है क्या? एसी लगवा लेना, ठंडे में तुझे और मजा आएगा। इस बहरे को इसके अलावा कुछ आता नहीं है क्या? सर, सबसे फंड्स कलेक्ट कर दिया गया है सर। अपने सारे लोगों को अंदर बुला लो। यस सर। इंडिया में गांधी जी की बातों से ज्यादा नोटों की बात मानी जाती है, इसलिए यह सब कर रहा हूं। यह उन लोगों का पैसा है जिन लोगों को हमसे कोई लगाव नहीं और ना उन्हें हमारे काम पर भरोसा है। फिर क्यों दिया पैसा? डर है। यह सारा पैसा डर के ही दिया गया है। मौका मिला तो डर को मिटाना है। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है। सर, आपके पास भी तो बहुत पैसा है, आप खुद भी पैसा दे सकते थे, फिर आपने लोगों से पैसा क्यों लिया? विनायक चतुर्थी पर हम सिर्फ 100 रुपया चंदा देते हैं, तो मूर्ति कहाँ रख रहे हो? पूजा कैसे करवाओगे? मूर्ति कब हटाओगे ये पूछते हैं हम। हम जानते हैं हमारे दिए हुए 100 रुपए से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसे हम अपना हक समझते हैं। लोग भी वैसे ही हैं। हम अपना काम कर रहे हैं सोचते हैं, अगर वो देने लगे तो हम क्या कर रहे हैं वो देखेंगे। आपसे कोई भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज होने का मौका नहीं देगा। आज से यहां हर एक की तनख्वाह 50,000 है। धूल चटा दो सबको। यस सर। शॉप को सील कर दिया। जीजा, छोटे को अरेस्ट कर लिया जीजा। कल दिल्ली से हाई कमान आ रहे हैं, किसी भी हालत में कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। राणा, वह तुम्हारा एरिया है, तुम्हें ही देखना पड़ेगा। केयरफुल। कौन है ये? क्यों दादा, अकेले बैठकर दारू पी रहे हो? बैठ। भाई को अरेस्ट क्यों किया तुमने? दादा, ये पर्सनल टाइम है या प्रोफेशनल टाइम है? पर्सनल है। तो फिर आप प्रोफेशनल बातें मत करो। एक हफ्ते से ड्यूटी दिन रात करके थक गया हूं। आपने उसे आवारा सांड की तरह छोड़ रखा है, उसकी कहीं शादी करवा दो। क्या बताऊं, जब से प्रजा की सेवा कर रहा हूं फैमिली को टाइम नहीं दे पाया। सच कहा आपने,
जनता के लिए आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, थोड़ा कम कर दो। अब नहीं कर सकता, 3 सालों से आदत जो पड़ गई है नहीं छोड़ सकता। प्रजा सेवा। आपकी प्रजा सेवा मुझे बहुत पसंद आई। मेरे यहां आने का मतलब यह है कि कल आपकी कोई रैली निकलने वाली है ना? हाई कमांड से कल यहां कोई आ रहा है, ड्यूटी पर मैं हूं और मैं ही रहूंगा। और रही बात एसपी साहब की, उन्होंने ही बोला है तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। अब जनता बोलेगी, लोगों से पूछना होगा, मेरे जैसे का यही काम है, उन्हें पता चलना चाहिए। इससे बात क्या कर रहे हो दादा, मार डालता हूं इसे अभी। तो मारना दादा, मारना दादा, मारना। हाँ बोलो ना दादा, मारना दादा। दारू पी है तुमने, जाओ यहां से। छोड़ दूंगा दादा, छोटे भाई को। अच्छी बात है। राणा प्रताप जयसिंह, सरकारी नौकर। कृष्णा, बच के रहना। जिनका नाम लेते ही तालाब की मछलियां नाच उठती हैं, जिनका हाथ लगते ही बंजर जमीन हरी हो जाती है, वही है दामोदर जी, हमारे बड़े भाई, अपने प्रिय नेता, दरिया दिली, स्वाभिमानी, सबके चहेते, हमारे दाता, आपके दुर्गा प्रसाद जी। बस आपके सामने कुछ ही देर में आने वाले हैं, उनका आप आदर प्रेम से स्वागत करें। दादाजी, महिलाओं को अपनी माँ बहन जैसे मानने वाले हमारे उभरते हुए नेता हैं, आपके चहेते दामोदर जी। गिरीश, हम चाहते हैं सभी को चुपचाप माला लेकर बैठने को बोल दे, अगर किसी ने मुंह खोला तो वो मरेगा। ठीक है भाई। उनको भारी बहुमत से विजयी बनाएं भाई। ऐ, चिल्ला मत, धीरे बोलेगा तब भी सबको सुनाई देगा। अगर चिल्लाना ही है तो दुर्गा प्रसाद जिंदाबाद बोलना, समझ गए? इसके अलावा अगर मेरे बारे में या किसी और के बारे में कुछ बोला तो बोलने और चिल्लाने के लिए गला नहीं बचेगा, समझे? गांव में सब ठीक है? गांव अपने विकास की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है, लेकिन सर मिनिस्ट्री कंफर्म ही है ना सर? अगर गांव में विकास हो रहा है तो अगले मिनिस्टर आप ही बनेंगे। आप ड्यूटी के लिए ना कहेंगे इसलिए सीआरपीएफ वालों को बुलाया है सर। सर चाहे अगर किसी ने मुंह खोला तो जान से मार दूंगा, जाओ। ए, जो बोला है वही बोलना सब लोग। ए बुड्ढे, सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, गलती करने वाले को मारते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, गलती होते ही मारते हैं। ए, रुको। Thank you.
चार्ज। भैया क्या कह रहा है ये? क्या कर रहे हो तुम? दादा क्या कह रहा है ये? भैया क्या कहा है इसने? देगा या नहीं? भैया शांत हो जाओ। देगा या नहीं? बात करता हूं। हमारा गांव बहुत अच्छा है। अच्छाई से दूर बुराई नजदीक ही पनप रही थी। जब भी मैं अपने गांव को देखता हूं तो एक ही बात याद आती है, भगवान ने सभी को भूख दी तो खाना क्यों नहीं दिया? जीना सिखाया भगवान ने तो फिर हिम्मत क्यों नहीं दी? चिल्लाओ तो सुनाई न दे, रो तो दिखाई न दे, क्यों जिंदा हैं हम लोग? जब भी मैं सोचता हूं तो एक ही नाम सामने आता है, चौधरी दुर्गा प्रसाद का। आवाज उठाओ तो दवा देता है, हक मांगो तो मार डालता है। उसने जितने भी गलत काम किए हैं उसका कोई सबूत नहीं। इस सच और झूठ के भंवर में हमारा गुनाह सिर्फ एक ही है, स्वेच्छा। वो मेरे गांव में नहीं है, इसीलिए मैंने अपनी बेटी का नाम स्वेच्छा रखा। सर्दी हो या बरसात हो या फिर चिलचिलाती गर्मी हो, जब से मैंने होश संभाला है एक ही नाम सुना है जिसने पूरे गांव को डरा रखा था। एक दिन मैं उससे मिला। आजकल मेरे बारे में तुम कुछ ज्यादा ही लिखने लगे हो। लिखना तो मेरा काम है सर। मछली पकड़ने वाले हाथ कलम नहीं पकड़ा करते। आप इंसान को डरा सकते हैं, शब्दों को नहीं। कागजों पर कभी जिंदगी नहीं लिखी जाती। जाओ। तभी मैं समझ गया था, भूखे जानवर से ज्यादा खूंखार इच्छाओं का भूखा इंसान होता है। उसी दिन रात को गांधी जी की तस्वीर के सामने मेरी दी हुई कंप्लेंट को फाड़ डाला गया। उसके बाद मेरा बहुत अपमान हुआ। उनमें से एक को मैं कभी नहीं भुला सकता जो मेरी 6 साल की बच्ची के सामने मुझे मार रहा था। जब मेरी बेटी ने मुझसे पूछा तो मैंने उसे बताया कि हम सब खेल रहे हैं, क्योंकि हर पिता अपने बच्चों के सामने एक मिसाल बनकर जीना चाहता है। हमें उनसे बैर लेने की क्या जरूरत है? ऐसा कितने दिन चलेगा? कितने दिन क्या, जब तक जिंदा है तब तक। वो लिख रहा है और हम पढ़ रहे हैं। आजादी के लिए लड़ने वाले महात्मा गांधी कभी हमारे घर भी आया करते थे। मजदूरी कितनी मिली पिताजी? जितनी बनती है उतना देते तो परेशानी नहीं होती। लेकिन वो तो आपका हक है पिताजी। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया अपनी जिंदगी सुधारने के लिए नहीं बेटा,
तुम अपनी जिंदगी सवार सको इसलिए। मेरी जिंदगी आपकी जिंदगी से अलग थोड़ी है। अपनी जवानी में मैं भी ऐसे ही बोलता था बेटा, लेकिन जवानी को ढलते हुए देर नहीं लगती। हाँ, तुम्हें पूछने पुलिस वाले आए थे, क्यों आए थे जाकर पता करो, जाओ। खतरा तो नहीं है? मरने वाला यहीं का है ना, खुलने वाले मुंह बहुत होंगे। अब क्या करें? एक को 5 देना होगा, एक को 10 देना होगा। पहले दोगे तो काम बन जाएगा। बेटा आप में पत्थर फेंकने की हिम्मत है, लेकिन कंप्लेंट करने की नहीं। जब मैंने उसे वहां देखा तो मुझे अपने बेटे की याद आ गई। जब उन्होंने मारपीट शुरू की तब मुझे उसकी बेटी नजर आई। स्वेच्छा के बिना तो जी सकता हूं, लेकिन इस स्वेच्छा के बिना मैं नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। गूंगे का ना बोलना उसकी कमजोरी होती है, लेकिन इंसान की मजबूरी उसे गूंगा बना देती है। गूंगा बोल नहीं सकता इसलिए चुप है, लेकिन इंसान जानते हुए भी चुप रहता है। वैसे वो भी ना, छोटी बच्ची है उसके सामने, उसे मारा तो बताया वो खेल रहे हैं। मन बहुत दुखी है रेड्डी। वो सत्तू ही है ना? हाँ जी सर। बुला उसे। ए! इधर आ। बाप रे, भैया के हाथ लग गया। तू साइकिल पकड़, जल्दी आ। आपने बुलाया भैया? तेरा जीजा गलत काम करता है ना? हो सकता है भैया। हो सकता क्या है, तुझे नहीं पता? पता हो सकता है भैया। तुझे पता है या नहीं वो बोल। भैया आप चाहे जो कुछ भी बोले, भैया मेरे जीजा जी बहुत जल्दी मिनिस्टर बनने वाले हैं। मेरे ताऊ जी सीएम हैं, उसका क्या? रेड्डी, सॉरी सर, अगर स्मार्ट बनेगा ना तो यहाँ भी एम्बुलेंस आ जाएगी। भैया माँ कसम, भैया मेरा जीजा लुच्चा कमीना है भैया। मैं गवाह बनकर आपकी मदद करूंगा भैया, आपको दिल से सपोर्ट करूंगा। मुझे बचा लोगे ना भैया? जाओ। थैंक यू भैया। जा। कल मुझसे मिलना। ठीक है। डैडी मैं इससे प्यार करती हूं, चुप रहोगे तो मैं इसके साथ भाग जाऊंगी। मैं जानती हूं आप दोनों के बीच छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं। जो भी है बैठकर बात कर लीजिए ना, सॉल्व हो जाएगी। I'll wait outside. Manage कर लेना। अंकल शर्म आने चाहिए बोलने से पहले। बीपी टैबलेट्स है।
सुनो, 5 मिनट्स, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओके। रुकिए। मुझे रुकता है। मेघा, क्या हुआ? भूल गई बहुत दिनों से मिलने नहीं आई, लग रहा हूँ ना मैं स्मार्ट? टेंशन हो रही है मुझे। एक्सरसाइज करके बॉडी बनानी ना, इसलिए जस्ट जोकिंग। डैडी को शादी के बारे में बता दिया मैंने। क्या? पहले बताई होती तो मैं अपनी फेवरेट पिंक कलर की शर्ट पहन के आता। बकवास बंद कर, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे, मैं देख लूंगा। मैं देख लूंगा। तुम अंदर जाके मैनेज कर लोगे ना? गो 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 गो। ये ठीक है ना? सब अब गो 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 मत पास गो। मैं मेघा का फ्रेंड हूँ अंकल। ये यहाँ क्यों बैठा है अंकल? आज आप अच्छे मूड में बैठे हो। इंग्लिश लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, मैंने टीवी शो में देखा है अंकल। पहले कई बार बहुत वर्ष लोगों ने भी ट्राई किया अंकल इस शादी को रोकने के लिए अंकल, बट मैं और मेघा बहुत स्ट्रांग थे, इसलिए ये बात यहाँ तक पहुंची है। हाँ अंकल, ये सब कुछ गावस्कर ने ही किया। अब पता चला कि गवाह कौन और गावस्कर कौन है। आप बात बात पर इरिटेट होते हैं, ये बात मेघा ने मुझे बताई है। बेकार की बातें करती हो, आपको देखकर लगता कि आप समुद्र के नमकीन पानी से नहा कर निकले हैं। ये क्या, कोई हरकत नहीं? मेरी बात सुनिए जी, शादी करवाओगे या नहीं मुझे बताओ जी, प्लीज बताओ अंकल, बताओ ना अंकल, बताओ ना प्लीज। बताता हूँ साले खजूर, तो इन दोनों का मिलन तूने ही करवाया था? तू ब्रदर है क्या? बोल दादा कहीं का शादी करेगा मेरी बेटी से? शादी करेगा? मेरे भाई जैसा है क्या? अब मारी अंकल, रुक क्यों गया? अब बोली डैडी, शादी करवाओगे या नहीं? अंकल पुरानी बातों को भूल जाइए ना, आपकी बेटी मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी राणा से प्यार करती हूँ। ये सच कह रही है? ए दुल्हन, अंकल का मतलब चाचा भी होता है। देखो बेटी, तुम्हें पसंद है इसलिए शादी के लिए हाँ कर रहा हूँ। ओके, बट वन कंडीशन, मैं इसके पैर नहीं छूऊंगा। क्या अंकल, आप हिंदू नहीं है? इधर आ, मुझ में भी ईगो बहुत है। आशीष प्यार को है मिला, हमको प्यार का मिला है सिला, हम तुम एक होने चले, अब होंगे साथ तेरे। खुशियों का ये सिलसिला जीवन में हम दोनों के चला, मन चाहा जीवन साथी मिला, हम होंगे आज तेरे। खुशियाँ ही खुशियाँ, प्रेम की ये दुनिया, सपने ये सच हुए मेरी आँखों के, रिश्ता ये भर के लिए हुआ शुरू नया जीवन, विवाह रस्म पावन हुआ शुरू नया जीवन, विवाह रस्म पावन, नई सुबह का जीवन में करे स्वागतम, हुआ शुरू नया जीवन, विवाह रस्म पावन। पल जीवन ये यारा, तू भर ले बाहों में आजा, लुटा दे मुझ पे प्यार सारा, हाय हाय हाय, समझ ले आंखों का इशारा, समा जा तू मुझ में यारा, समा ये खास है प्यारा, हाय हाय हाय। ओ यार दूरिया मिटा दो, तो प्यार में तुम साथ मेरा, कर अरमान पूरे, हाय
इसलिए हम पीते हैं रोज रेड लेवल, इसमें नेचुरल फ्लेवर है। ये लोग सुबह पीते हैं और हम लोग रात को पीते हैं ना। तुम तो बहुत ही चीप ब्रांड का घटिया माल पीते हो। चुप कर गधा, चुपचाप खाना खाओ। चीप ब्रांड बोल रहा है। इस खाने की तरह मेरी लाइफ भी बहुत खराब हो गई है। मेरी गर्लफ्रेंड उस इंस्पेक्टर से सेट हो गई है। अब वो और एसपी दोनों मिल चुके। कितना बुरा हुआ मेरा। सो सैड। वो दोनों मिल जाए तो चलेगा, हम में से कोई मिल गया तो परेशानी होगी। ये कैसी बात कर रहे हैं जीजाजी, जो मन में आए बोलते जा रहे हैं। आप एक पॉलिटिशियन है, अब झारखंड अलग हो गया है, झारखंड का मंत्री अलग, बिहार का अलग, दोनों एक साथ मिल सकते हैं क्या? नहीं, तो नहीं, नहीं, मैं उठाऊंगा। हेलो सत्तू, है क्या सत्तू मामा? आपका फोन, यहाँ बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है, पूछो कौन है, क्या काम है उसको? आपको क्या काम है पूछ रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, गवाह बनने को कह रहा था, कब कहाँ मिलेगा पूछो। पूछ रहे हैं कि आप गवाह देने पुलिस स्टेशन कब जाएंगे? वो ये कह रहा है कि अगर पुलिस में गवाही दोगे तो बच जाओगे। बड़े जीजा छोटे जीजा से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अरे बाप रे, मर गया। कमीना है तू, तू और तेरी पूरी फैमिली। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो थोड़ा लंबा है, वो थोड़ा छोटा है और तू काला है। मैंने कभी आपकी फैमिली के बारे में पूछा क्या? आप मेरी फैमिली को क्यों गालियां दे रहे हैं? ब्लडी फूल। ज्यादा ही डर गया लगता है। दादा, मंत्री पद चाहने वाले एमपी चौधरी दुर्गा प्रसाद को निराशा हाथ लगी। पार्टी के प्रतिनिधि एमपी से नाखुश है। इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है, कुछ समय पहले गांव में पार्टी के प्रतिनिधियों ने हंगामा किया था, इसलिए हाई कमांड ने ये फैसला लिया है। इस हंगामे के होने की वजह से हमारे एमपी चौधरी दुर्गा प्रसाद को पार्टी से निकाल दिया गया है। चौधरी दुर्गा प्रसाद मंत्री पद खोने की वजह से बौखलाए हुए बैठे हैं। तेरा दादा का पता नहीं मुझे। ऐ बुड्ढा कहाँ है? कहाँ है बुड्ढा? मेरी बच्ची बेटा, बेटा, मेरी बच्ची को कुछ मत करना बेटा, मेरी बच्ची मासूम है, उसे कुछ मत करना बेटा, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ बेटा, बेटा। नहीं। छोड़ दो मेरे दादाजी को।
दो मिनट रुकना। बेटा हम खेल रहे हैं। कौन सा खेल खेल रहे हैं? बच्ची को संभालना। शांत हो जाइए माँ जी, आप शांत हो जाइए। अंदर चलिए, अंदर चलिए, शांत हो जाइए आप। दादा आप इस तरह चुपचाप क्यों हैं? वो मुझे चाहिए यहां। सॉरी सर, सॉरी सर, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था।
तुझे किडनैप किए कितना टाइम हो चुका है? 1 घंटा। वहां से तेरे चीचा का घर कितनी दूरी पर है? 1/2 घंटा। अभी तक नहीं समझा तू किसने किसे किडनैप किया है? बर्बाद हो गए रे। सॉरी बॉस, लेट बाय 30 मिनट्स। गॉड प्रॉमिस भैया, मेरी हवा टाइट हो गई है भैया, कोई तो मुझसे बात करो भैया, भैया कुछ तो बात करो ना भैया। दादा आप बोलो, अभी इसे यहीं खत्म कर देता हूं। अरे भाग बेटा, नहीं तो मारा जाएगा। समझ चुका हूं, बस 5 मिनट दो, बैठ कर बात कर लेते हैं। तुम यहां क्यों आए थे? उस एसपी ने मेरा कॉलर पकड़ लिया था, इसलिए यहां आया। कॉलर पकड़ लिया था बस? तो फिर उसे छोड़कर मेरे पीछे क्यों पड़ गए? मैं तो खुद ही जाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे रोका। मैंने तुम्हें कब रोका? मैं तो ट्रांसफर करवा रहा था। वही मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए रुकना पड़ा। फिर तुम आकर मुझसे क्यों चिपक गए? इसलिए अब तक जिंदा हो, वरना कब का तुम्हें ठोक डालता। क्या तेरा पेट तो भरा हुआ है, फिर अपनी जान लोगों के लिए क्यों देना चाहता है? मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूं, पैसा तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है, तो गरीबों का खून क्यों चूसता है? किसने बोला मैं गरीबों का खून चूसता हूं? जब मैं बाहर चलूं तो हर एक आदमी मेरे सामने उठकर खड़ा होना चाहिए। बस यही चाहता हूं मैं, गलती करे तो मेरे सामने से चुपचाप चला जाना चाहिए। बस यही चाहता हूं मैं। कब किसको कहां ले जाकर मारेगा ये चौधरी दुर्गा प्रसाद? इसलिए पूरा गांव कांपता है। जो मैं चाहता हूं वही होता है, मैं लेता नहीं हूं बल्कि उसे छीन लेता हूं। इस गांव के बारे में तू जानता ही क्या है? हाँ इस गांव के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन उस बच्ची ने मुझसे पूछ लिया मेरे पापा कहां है। उस बूढ़ी मां ने पूछा मेरे पति कहां है, और उस दादाजी ने कहा न्याय कहां है बाबू। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तुमने उनकी जमीनें छीन ली है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उन लोगों को इसी जमीन में मिलना है। ये सब करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? ये तो प्रकृति का नियम है, बकरे को काटने वाला भी जिंदा है, उस पर कोई आवाज उठाता है क्या? इन्हें मारकर मैं जी रहा हूं, कोई आवाज ना उठे इसलिए। मेरा भाई मरा तब भी मैं नहीं रोया, बस दिल जल रहा है। फिर भी तू
सामने बैठकर ऐसे बात कर रहा है जैसे कुछ हुआ ना हो। तू होता कौन है? यहां जन्म लिया है तूने? डर, मुझे देखकर डर। मैं तुमसे क्यों डरूं? आदमी को आदमी देखकर कभी नहीं डरता। लेकिन तुझे डरना चाहिए। तेरे सामने कोई मामूली इंसान नहीं बैठा, उसका नाम है चौधरी दुर्गा प्रसाद। तू मुझे नहीं जानता। सच कह रहा है तू? मैं एक साधारण सा इंसान था। यहां आने से पहले पता नहीं था जिंदगी क्या होती है, लेकिन यहां आने के बाद ही समझ पाया। hey! तूने 30 सालों का मेरा सपना चकनाचूर कर डाला। मुझे कैसा लगता जानता है? मेरे पैदा किए हुए डर को तूने खत्म कर डाला। कैसा लगता है जानता है तू? मेरे बने बनाए साम्राज्य को कोई आके मिटा दे तो कैसा लगता है जानता है तू? तू जो करना चाहता है कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसान को इंसान की तरह जीने दो, उनकी जिंदगी मत छीनो, वरना तुझे छीन लूंगा। तू क्या छीनेगा मुझे? तू जानता नहीं है मुझे। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं। तुम जैसे लोग वर्दी की धौंस दिखाकर हम जैसे शरीफ इंसान को हमेशा धमकाते आए हो। नहीं बदलेगा तू? क्योंकि इतिहास हमेशा बुराई के लिए ही याद किया जाता है। एक साथ यहां दो बुरे लोग नहीं रह सकते। सर, अब इसका क्या करें सर? उस बूढ़ी मां से वादा किया था, न्याय मैं करूंगा। अनआइडेंटिफाइड बॉडी डिक्लेयर्ड कर दो। ओके सर। तुमने मुझे मारा, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। तुम भी किसी को मत बताना। अभी भी लोग वर्दी पर भरोसा करते हैं, उसे तोड़ो मत। रेड्डी, बहुत थक गया हूं, गाड़ी निकालो। रेड्डी सर। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है, फिर ये सब किसके लिए और क्यों करता है? इस प्रश्न का जवाब आप खुद से पूछो।